हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को हैप्पी दीपावली विश करना चाहूंगा और मैं होप करता हूं कि आपका ये दिन एक काफी अच्छा दिन रहे और आप पूरा दिन अपने फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय करें। पर फाइनली इस वीक का कोलिजन शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले है। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले है कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के कोलिजन शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू। तो गाइज, इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें अंद्रादे एल इडोलो डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज, सरप्राइजिंगली इस मैच के लिए अंद्रादे एल इडोलो सीजे पैरी के साथ आए थे और सीजे पैरी यहां पर अंद्रादे एल इडोलो की मैनेजर थी, जो देखकर बैकस्टेज से मीरो अंद्रादे पर काफी गुस्सा दिखाई दे रहे थे। लेकिन जहां तक बात थी इस मैच की, तो गाइज ये मैच कोलिजन शो के ओपनिंग के अंदर सच में काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर अंद्रादे और गार्सिया दोनों ने ही अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और हर बार की तरह शो के ओपनिंग के अंदर ये मैच फैंस के एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिलीवर हुआ है। लेकिन इस सब के साथ ही अगर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में एक बार के लिए खुद डेनियल गार्सिया सीजे पैरी के सामने डांस करते हुए डिस्ट्रैक्ट हुए थे और इस चीज का फायदा उठाकर इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर यहां पर अंद्रादे ने डेनियल गार्सिया पर अपना सबमिशन फिगर 8 लगा दिया और यहां पर सबमिशन के सहारे अंद्रादे ये मैच जीत गए है। जिस अंद्रादे की जीत से सीजे पैरी भी काफी खुश थी, पर हम बैकस्टेज में मीरो को काफी गुस्सा देख रहे थे, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे क्या होता है और सीजे पैरी और अंद्रादे की पार्टनरशिप किस तरीके से वर्क करती है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर निक वेन एक 1-on-1 मैच के अंदर डाल्टन कैसल को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच निक वेन को अपने आप को प्रूव करने के लिए था और वो यहाँ पर डाल्टन कैसल के खिलाफ जा रहे थे, जहाँ पर डाल्टन कैसल ने इस मैच की शुरुआत में निक वेन पर काफी तगड़ा अटैक किया और यहाँ पर निक वेन डाल्टन कैसल के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक टाइम के लिए जब क्रिश्चियन केज ने निक वेन को जब इस मैच के अंदर गाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो तब से निक वेन ने इस मैच के अंदर अपना काफी शानदार कमबैक किया और यहाँ पर कई बार डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर निक वेन इस मैच के अंदर डाल्टन कैसल पर भारी पड़ रहे थे। और इसी बीच इस मैच के आखिर में क्रिश्चियन केज ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया और इसी बीच निक वेन ने डाल्टन कैसल को रिंग पोस्ट पर फेंक मारा और डाल्टन कैसल पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर निक वेन ने यह मैच जीत लिया है, जो देखकर क्रिश्चियन केज भी काफी खुश थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्रिश्चियन केज की टीम के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर हैंगमैन पेज का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि देखा जाए तो स्वर्व पहले हैंगमैन पेज को हरा चुके थे और स्वर्व के पास एक काफी बड़ा मौका था कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाए। लेकिन इसके बावजूद स्वर्व फिर एक बार हैंगमैन के पीछे आए और उनके घर के अंदर घुसे, जो कि स्वर्व की एक काफी बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि अब फुल गियर पेपरव्यू पर हैंगमैन पेज स्वर्व का वो हाल करेंगे जो हाल देखकर स्वर्व अपनी फैमिली फंक्शंस को अटेंड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हैंगमैन पेज चाहते हैं कि स्वर्व और उनका ये मैच एक टेक्सस डेथ मैच बन जाए। जो एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट हैंगमैन पेज ने की, तो अब सच में देखने के लिए मजा आएगा कि जब एक टेक्सस डेथ मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद हमें लेफ्ट एक्सिगॉन एनोब्ले के दो सुपरस्टार्स यानी कि रूश और उनके भाई रियलिस्टिक को एक टैग टीम मैच के अंदर वर्क हॉर्समैन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस, इस मैच के अंदर इस मैच की शुरुआत में रियलिस्टिक को अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन वर्क हॉर्समैन के सामने रियलिस्टिक को अकेले कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए रियलिस्टिक ने डिस्परेटली रूश को टैग दे दिया। और इसके बाद रूश ने इस मैच के अंदर वर्क हॉर्समैन पर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया और फिर एक बार रूश ने अकेले इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट किया है और वर्क हॉर्समैन काफी बार ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे, पर आखिरकार रियलिस्टिक ने एंथनी हेनरी को रिंग के बाहर किया और रिंग के अंदर रूश ने जेडी ड्रेक पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो लेफ्ट एक्सिगॉन एनोब्ले के लिए काफी बढ़िया विक्ट्री थी। पर उनकी ये मैच जीतते ही टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर हाउस ऑफ ब्लैक आया और एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर में हाउस ऑफ ब्लैक कहता हुआ दिखाई दिया कि हाल ही में काफी सारे लोग हाउस ऑफ ब्लैक के पीछे आ रहे हैं और हाउस ऑफ ब्लैक खुद वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के पीछे जा रहे हैं, इसलिए हाउस ऑफ ब्लैक को बाकी सारी टीम से कुछ फर्क नहीं पड़ता और अगर वो चाहे तो हाउस ऑफ ब्लैक को वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बनने से रोकने के लिए ट्राई कर सकती है, जो बात यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने कही। और यही पर बात करते हुए जूलिया हार्ट ने भी कहा कि उन्हें पता चल चुका है कि आगे पीपीवी इवेंट पर टीबीएस वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच होगा और हाल ही में जो AEW के शोज पर दो सिंगल्स वुमेन्स मैचेस होने वाले हैं, उन मैचेस के अंदर जो कोई सुपरस्टार जीतेगा वो इस मैच के लिए क्वालिफाई होने वाला है। और जूलिया हार्ट ने यहाँ पर प्रॉमिस किया कि वो इस वीक अपना ये मैच जीतने वाली है और टीबीएस वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के लिए क्वालिफाई होने वाली है।
और हाउस ऑफ ब्लैक की सेगमेंट के बाद हमें अलेक्सी बैकस्टेज में क्रिस स्टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि क्रिस स्टैटलैंडर होप कर रहे हैं कि विलो नाइटिंगेल अपना मैच जीते और जूलिया हार्ट को हरा कर यहाँ पर उन्हें क्वालिफाई करने से रोके। लेकिन जहाँ तक बात है दूसरे मैच की, जो कि स्काई ब्लू और रेड वेलवेट के बीच में होने वाला है, तो उन्हें उस मैच से कोई लेना देना नहीं है। जो कहकर क्रिस स्टैटलैंडर यहाँ चली गई तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एक सिंगल्स मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर उनका मैच डेरियस मार्टिन खिलाफ होने वाला था। और इस मैच के पहले रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ऐसा नाटक कर रहे थे कि मानो वो पहली बार चल रहे हैं। पर जैसे यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और डेरियस मार्टिन का ये मैच स्टार्ट हुआ, वैसे रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने इस मैच के अंदर डेरियस मार्टिन पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और हम क्लियरली देख पा रहे थे कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को यहाँ पर रसल करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जिसी बीच डेरियस मार्टिन और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इनके बीच में हमें काफी जबरदस्त मूव्स भी देखने को मिले। और गाइस यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक किया। लेकिन इस सब के साथ ही फाइनली इस मैच के आखिर में आउट ऑफ नोवेयर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने डेरियस मार्टिन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने काफी दिनों के अंदर अपना फर्स्ट सिंगल्स मैच जीत लिया है। और ये मैच जीतने के बाद भी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग नेक ब्रेस पहनकर ऐसा दिखा रहे थे कि उनकी नेक अब भी काफी इंजर्ड है। लेकिन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के मैच जीतने के बाद यहाँ पर द किंगडम ने डेरियस मार्टिन पर अटैक कर दिया और वो अटैक कंटिन्यू कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर एक्शन आंद्रेडी डेरियस मार्टिन को बचाने के लिए आ गए, जो देखकर द किंगडम तो यहाँ से भाग गई। तो देखना पड़ेगा कि आगे एक्शन आंद्रेडी डेरियस मार्टिन और द किंगडम के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर सरप्राइजिंगली टोनी खान यहाँ पर आकर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दिए, जिनके साथ ब्रायन डेनसन भी थे। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने अनाउंस किया है कि टोनी खान अपने कंपनी के अंदर फर्स्ट एवर कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट करने वाले हैं, जिस टूर्नामेंट के विनर को कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप मिलने वाला है। और गाइस इस टूर्नामेंट के अंदर हमें सरप्राइजिंगली ब्रायन डेनसन भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो बात यहाँ पर टोनी खान और ब्रायन डेनसन ने अनाउंस की, तो देखने के लिए मजा आएगा कि ब्रायन किस तरीके से इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनते हैं। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर जूलिया हार्ट एक वन ऑन वन मैच के अंदर विलो नाइटिंगेल को फेस करती हुई दिखाई दी। और इस मैच के पहले जूलिया हार्ट विलो नाइटिंगेल का काफी मजाक उड़ा रही थी, जिस चीज से गुस्सा होकर विलो नाइटिंगेल ने इस मैच के अंदर जूलिया हार्ट पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और विलो नाइटिंगेल के किसी भी अटैक का जूलिया हार्ट के पास कोई जवाब नहीं था और जूलिया हार्ट ने इस मैच के अंदर काफी जोरदार मार खाया, जहां पर स्काई ब्लू बैकस्टेज से मैच देख रही थी। और विलो नाइटिंगेल ने इस पूरे मैच के अंदर डोमिनेट किया था, इसलिए लग रहा था कि प्रोबेबली विलो नाइटिंगेल ये मैच जीतने वाली है। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर इस मैच के आखिर में जूलिया हार्ट ने विलो नाइटिंगेल को एक्सपोज टर्नबकल पर फेंक मारा और उन पर अपना फिनिशर मूनसॉल्ट लगाकर उन्हें पिन कर जूलिया हार्ट ने मैच जीत लिया है और टीबीएस वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी इनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें लेक्सी बैकस्टेज में AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि रिकी स्टार्स और बिग बिल का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स और बिग बिल कह रहे थे कि उन्हें पता है कि उनके टैग टीम चैंपियनशिप के पीछे काफी सारे लोग आ रहे हैं, पर जब तक कोई अपने आप को प्रूव नहीं करता तब तक रिकी स्टार्स और बिग बिल अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप किसी के खिलाफ डिफेंड नहीं करने वाले। जो बातें रिकी स्टार्स और बिग बिल कह रहे थे, यहाँ पर लेक्सी ने इन दोनों को बताया कि टोनी खान ने अनाउंस कर दिया है कि बिग बिल और रिकी स्टार्स को आने वाले पीपीवी पर अपने टैग टीम चैंपियनशिप इन सभी टैग टीम्स के खिलाफ डिफेंड करनी पड़ेगी। जो सुनकर यहाँ पर रिकी स्टार्स और बिग बिल तो काफी गुस्सा हुए थे, लेकिन इन्होंने फिर भी एक दूसरे को अश्योर किया कि ये लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं। देखना पड़ेगा कि अब इनकी चैंपियनशिप के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद पॉल व्हाइट एके बिग शो हमें कॉमेडी टीम ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आगे पावर हाउस हॉब्स का एक लोकल स्टार के खिलाफ एक वन ऑन वन मैच होने वाला था। और इस मैच के अंदर हॉब्स ने उस लोकल स्टार पर काफी खतरनाक अटैक किया और फाइनली उसे पिन कर हॉब्स ने स्क्वैश मैच काफी आसानी से जीत लिया। पर ये मैच खत्म होने के बाद हॉब्स पॉल व्हाइट की तरफ देख रहे थे, लेकिन माइक लेकर बात करते हुए यहाँ पर डॉन कैलस ने कहा कि डॉन कैलस को पता है कि क्रिस जेरिको अपने आप को काफी तगड़ा समझते हैं और उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि पावर हाउस हॉब्स ने जेरिको का क्या हाल किया था, और इसलिए जेरिको हॉब्स के खिलाफ जाने के लिए उनके काफी बड़े फ्रेंड यानी कि पॉल व्हाइट को ला रहे हैं। पर डॉन कैलस यहाँ पर पॉल व्हाइट को सजेस्ट करते हैं कि पॉल व्हाइट इस मैच के अंदर ना उतरे, क्योंकि हॉब्स उनका भी काफी बुरा हाल करेंगे। जो बात यहाँ पर डॉन कैलस ने कही, पर फिर भी पॉल व्हाइट ने इस मैच से बैकडाउन करने के लिए मना कर दिया। जो सुनकर यहाँ पर डॉन कैलस काफी गुस्सा हो गए और वो चाहते थे कि पावर हाउस हॉब्स पॉल व्हाइट को डिस्ट्रॉय करे, लेकिन पॉल व्हाइट गुस्से में खड़े हो गए, जो देखकर यहाँ पर डॉन कैलस पावर हाउस हॉब्स को पॉल व्हाइट से दूर ले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर लेक्सी बैकस्टेज में FTR का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर बात करते हुए FTR ने कहा कि FTR से उनकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स रिकी स्टार्स और बिग बिल ने चुरा लिए है, और जब तक FTR अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स वापस नहीं लेते तब तक FTR नहीं रुकने वाली। जो बात FTR ने कही। और इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था कोलिजन शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें एडम कोपलन यानी कि एज, डार्बी एलन और स्टिंग के साथ मिलकर लांस आर्चर और द रिचेस मैन यानी कि विंसेंट और डच को एक सिक्स मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सच में ये मैच इस वीक के
कोरियन शो पर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स ने अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और इस मैच के अंदर हमें पूरे के पूरे क्राउड की तरफ से दिस इज ऑसम फाइट फॉरएवर और हर एक तरीके के चैंट सुनने को मिल रहे थे, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा, जहां पर मैं सरप्राइजिंगली स्टिंग और एज साथ में अपने कुछ टैग टीम मूव्स भी लगाते हुए दिखाई दिए। लेकिन फाइनली इस मैच के आखिर में स्टिंग ने विंसेंट पर अपना स्टिंगर स्प्लैश लगा दिया, जिसे कि एज ने एक स्पीयर के साथ फॉलो किया और उन्हें पिन कर यहां पर एज ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो उनके टीम के लिए काफी शानदार विक्ट्री रही और लग रहा था कि अब वो फुल गियर पेपरव्यू के लिए रेडी है। लेकिन इतने में यहां पर क्रिश्चियन केज आ गए और यहां पर क्रिश्चियन केज और एज की टीम के बीच में एक स्टेडाउन के साथ इस वीक का कोलियन शो ऑफेयर गया, जो शो सच में मुझे काफी शानदार शो लगा है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?